हाय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राम प्रताप। आई एम ए ट्रेंड एंड सर्टिफाइड टीचर। टुडे आई विल टीच यू द यूज़ ऑफ वाज एंड वर। पिछली क्लास में हमने यूज़ ऑफ इज़, आर, एम और उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ पढ़ा था, और हम यहाँ पर यूज़ ऑफ वाज या वर पढ़ेंगे। तो यूज ऑफ वाज और वर पढ़ेंगे और उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि ही, सी, इट, आई, दिस, दैट, सिंगुलर सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट के होने पर हम उसके साथ वाज का यूज करेंगे, जो कि वर्ब बी के रूप में वाज का यूज करेंगे। और यदि सब्जेक्ट की जगह पर यू, वी, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वर्ब बी के रूप में वर का यूज करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अब आइए हम एग्जाम्पल में इनका यूज करते हैं। कैसे किया जाता है? वह एक पागल था। तो वह, ही, यहाँ देखिए ही लिखा हुआ है, ही के साथ हम वाज का यूज करते हैं, और एक पागल, अ मैड, तो ये हो गया, ही वॉज अ मैड। ठीक, वे खुश नहीं थे। अब देखिए वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। दे के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? दे के साथ हम लोग यूज करेंगे वर, दे वर, और इसमें नहीं भी वर्ड है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो वर के बाद नॉट लगा देंगे और खुश, हैप्पी। दे वर नॉट हैप्पी। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नॉट का यूज वर्ब बी के बाद करते हैं। वर्ब बी अर्थात इज, आर, एम, वाज या वर, इनमें से कोई भी वर्ब हो तो उसके बाद नॉट का यूज करते हैं। अब आइए देखिए, क्या तुम भूखे थे? यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ये देखिए क्या से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले हम वर्ब बी का यूज़ करेंगे, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? क्या तुम, सब्जेक्ट तुम है तो तुम के अकॉर्डिंग, यू, यू के अकॉर्डिंग हम वर्ब बी का यूज़ करेंगे वर, और तुम फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और हंगरी, एच यू एन जी आर वाई, वर यू हंगरी। तो आप ये अच्छे से समझ चुके होंगे। और फिर से एक बार देखिए कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो अगर क्या से शुरू है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, पहले हेल्पिंग वर्ब या अगर वर्ब बी है तो पहले वर्ब बी का यूज़ होता है। क्योंकि ये सभी सेंटेंस पास्ट में हैं, देखिए सबके लास्ट में था, थे, थे या था, थी, थे आया हुआ है, ये पास्ट की बातें हैं, इसलिए हम वाज या वर का यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे था, थी, थे की जगह पे हैं, हूँ, हो, होता तो हम बिल्कुल सेम ऐसे ही करते, लेकिन वाज या वर की जगह पर इज, आर या एम का यूज़ करते। अमित कहाँ था? ये देखिए एक दूसरे तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, हमें उस प्लेस को बताना पड़ेगा कि अमित कहाँ था। तो सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए कहाँ था, सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिख देंगे, वेयर। उसका सेम जैसे ये किए हैं उसी तरह इसको भी करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट अमित है जो कि एक सिंगुलर है, तो इसके लिए वाज का यूज करेंगे, फिर अमित, वेयर वाज अमित। अब आइए देखते हैं ग्लास खाली क्यों था, यहाँ भी इसी तरह का सेंटेंस है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, वाई, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट ग्लास है जो कि एक सिंगुलर है, तो वाई वॉज द ग्लास, वाई वॉज द ग्लास एम्प्टी, वाई वॉज द ग्लास एम्प्टी। तुम वहाँ कैसे थे?
देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, कैसे, हाउ हाउ, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब बी का, तो यू के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यू और फिर यहाँ पे देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हाँ, यहाँ देखिए इस सेंटेंस में एक गलती हो गई है, यहाँ पूर्ण विराम लगा है, जो कि ये सेंटेंस जो है ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो आशा है कि अब आप ये समझ चुके होंगे, और अगर आप हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हमारे पिछले वीडियो देखने के लिए हम आपको नीचे लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।